जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में आज का ये सेशन हम अब शुरू करते हैं। आपको पता है कि अभी तक के सारे सेशंस में हम अलग अलग तरीके से अलग अलग चक्रों का संतुलन, तीन महामंत्र, नमक पानी, कैंडल ट्रीटमेंट, काफ़ी कुछ हम देखते आए हैं। और पिछले बार जो हमारे तीन नाड़ियाँ हैं उसमें की ईड़ा नाड़ी यानी लेफ्ट साइड, उस पर जो सात चक्र है और उस पर जो शक्ति का केंद्र है, कौन सी शक्ति वहां विराजमान है और उनका मंत्र कैसे लिया जाता है, वो हमने देखा था। पिछले बार ईड़ा हो गई, आज का सेशन होगा पिंगला नाड़ी यानी राइट साइड की नाड़ी। तो उनके जो मंत्र है वो विषय आज होने वाला है। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम लेफ्ट साइड के, राइट साइड के और अगली बार मध्य नाड़ी के भी मंत्र देखने वाले हैं जो चक्रों पर होते हैं और जिसके कारण वो चक्र संतुलित हो जाता है और वहाँ के जो गुणधर्म है, जो भी हमें वहाँ के आशीर्वाद है, वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो अभी प्रथम हम ध्यान करते हैं, ध्यान के बाद हम परम पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणी को आत्मसात करेंगे और उसके बाद में हम पिंगला नाड़ी यानी राइट नाड़ी के जो भी चक्र है उनके मंत्र कैसे लेने हैं वो देखेंगे। तो आइए ध्यान को शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं मिसेस सपना शिंदे ताई। मैं उनसे विनंती करता हूं कि वो ध्यान को आरंभ करें। जय श्री माता जी।
जय श्री माता जी। दोनों हाथों की हथेलियों पे चित्त रखते हैं और सहस्त्रार पे। हाथों से जो चैतन्य बह रहा है उसकी ओर ध्यान देंगे। कुंडलिनी शक्ति चढ़ा के बंधन लेते हैं। अब हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे। आप सभी स्क्रीन पे देखते हुए मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। तीन महामंत्र, उसके पश्चात श्री गणेश मंत्र। सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संतुलन करेंगे। अपना राइट हैंड जमीन पे भूमाते पे रखते हैं।
यहाँ हम प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा में हम सभी की ईड़ा नाड़ी शुद्ध हो। अपने हाथों पे बहते हुए चैतन्य की ओर भी ध्यान देंगे। अपने राइट मूलाधार पे चित्त रखते हैं और अपनी कलाइयों पे, राइट हैंड की, लेफ्ट हैंड की कलाई पे चित्त रखेंगे। स्वाधिष्ठान चक्र, लेफ्ट स्वाधिष्ठान, अपने अंगूठे पे भी चित्त रखेंगे हाथों के। लेफ्ट नाभि, अपनी मिडिल फिंगर पे भी चित्त रखते हैं। लेफ्ट बहुसागर, हाथों में सहस्त्रार के आसपास की ओर ध्यान रखेंगे, हथेली में ही। अपने चित्त को लेफ्ट हार्ट पे ले जाते हैं, हाथों में लिटिल फिंगर, लेफ्ट विशुद्धि, हाथों में इंडेक्स फिंगर, धीरे से चित्त को अपने राइट कान के ऊपर लेके आते हैं। आज्ञा चक्र पे रखेंगे और हाथों में रिंग फिंगर पे अब चित्त को सहस्त्रार की ओर ले जाते हैं, तालु पर। राइट हैंड गोदी में, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर, चित्त अपना पिंगला नाड़ी पे। प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा में हमारी पिंगला नाड़ी शुद्ध हो। चित्त अपना राइट हैंड और पिंगला नाड़ी पे रहेगा, राइट मूलाधार, हाथों की कलाई, राइट स्वाधिष्ठान, राइट अंगूठा अपना, राइट नाभि, मिडिल फिंगर,
राइट भवसागर, हाथों में राइट सहस्त्रार के चारों ओर घुमाते हैं। राइट हार्ट, लिटिल फिंगर, राइट विशुद्धि, इंडेक्स फिंगर, आज्ञा चक्र पे चित्र ले जाते हैं अपने लेफ्ट कान के ऊपर और बैक आज्ञा, चित्त को सहस्त्रार पे लेके जाते हैं। धीरे से अपने लेफ्ट हार्ट को गोदी में रखते हैं, चित्त दोनों हाथों की हथेलियों पे रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी हमारी इड़ा पिंगला नाड़ी शुद्ध कर हमारा मध्य मार्ग खोल दीजिए। चित्त सुषुम्ना नाड़ी पे रखते हैं, दोनों हाथों की हथेलियों में समान वाइब्रेशन आ रहे हैं क्या ये देखेंगे। चित्त मूलाधार चक्र पे मध्य मूलाधार, मध्य स्वाधिष्ठान, मध्य नाभि, हम नाभि पे अपना हाथ भी रख सकते हैं। पूरा भवसागर, चित्त को मध्य हार्ट पे लेके जाते हैं। मध्य विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, अपने राइट हैंड को हम सहस्त्रार पे रखते हैं। श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य श्री माता जी हमें निर्विचारिता प्रदान करें, चित्त को तालु भाग पे रखेंगे। थोड़ा सा हाथ को हम थोड़ा ऊपर लेते हैं, राइट हैंड को। इसी क्रिया को हम लेफ्ट हैंड से भी करते हैं। आप सभी लोगों को चैतन्य की अनुभूति हो रही होगी, उसकी ओर ध्यान देंगे। दोनों हाथ गोदी में इसी अवस्था में है। हम कुछ मिनट ध्यान करते हैं और श्री माता जी की अमृतवाणी आत्मसात करते हैं।
आज मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं तीन नाड़ियों के बारे में बताऊं जो हमारे अंदर कार्यान्वित है। जब चेतना हमारे अंदर प्रवेश करती है तो त्रिकोणाकार अस्थि त्रिकोणाकार या कहे कि प्रिज्म के जैसे मनुष्य का मस्तिष्क है, ब्रेन है, उस वक्त उसमें तीन आकार आते हैं। उसमें से एक तो सीधे ही पूरी की पूरी जैसी है, वो हमारे अंदर घुस करके और त्रिकोणाकार अस्थि में बैठ जाती कुंडली, और बाकी की दो शक्तियां, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में दो तरह के सेल्स होते हैं, उसके कारण हमारे अंदर घुसने वाली जो चेतना है उसमें रिफ्लेक्शन आ जाता है, और जो इधर से आती है वो इधर आ जाती है, और इधर से आती है वो इधर आ जाती है, माने जो लेफ्ट से आती है वो राइट की तरफ आ जाती है, और जो राइट से आती है वो लेफ्ट की तरफ आती है, और जहाँ ये दोनों मिल जाते हैं वहीं पर आपका आगे चक्र बना हुआ। अब ये जब हमारे शरीर के अंदर घुसती है तो उसका बहुत सा भाग, क्योंकि इस तरह आई हुई, उसका बहुत सा भाग तो अंदर चला जाता है और उससे कहीं अधिक भाग बाहर की तरफ आ जाता है इस चेतना का, और इस वजह से मनुष्य जब किसी चीज को देखता है तो उस पे वो रिएक्ट करता है, उसके ऊपर उसको विचार आते हैं। कोई भी चीज को देखने के साथ उसे विचार आएगा और वो विचार उसके अंदर घुसते हैं, और उस विचारों से ही आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे अंदर ईगो और मन ऐसी दो भावना थे। जब हम संस्कारों से बहुत ज्यादा प्लावित हो जाते हैं या हमारे अंदर बहुत सारे संस्कार भरे जाते हैं तो हमारे अंदर लेफ्ट साइड का मन, जिसे कि सुपर ईगो कहते हैं, बनता है, और जब हम बहुत ज्यादा ये विचार करते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, आगे क्या करना है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस तरह की अहंकार की जो भावना है वो आपके अंदर दूसरी साइड में आती है, किंतु इसकी नाड़ियां बिल्कुल उल्टी दिशा में है। इसीलिए जब मनुष्य को पैरालिसिस होता है तो आपने देखा होगा कि अगर उसके सर में क्लॉट अगर लेफ्ट में आया हो तो उसका पैरालिसिस राइट में होता है। अब ये जो तीन नाड़ियां हैं, पहली नाड़ी, दूसरी और तीसरी, इसमें से जो पहली नाड़ी है उसे अनेक नाम से संबोधित किया जाता है। इसे कोई कोई चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, पर सर्व में हम इसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं, और राइट साइड में जो नाड़ी है उसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, उसको बहुत से लोग सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, और वास्तविक इन दोनों पर चंद्र और सूर्य का ही प्रभाव है। अब जब लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है ये सूक्ष्म रूप से स्थित है, किंतु इसे हमारे अंदर जो लेफ्ट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी चालना होती है, और राइट साइड में जो नाड़ी है जिसे कि हम पिंगला कहते हैं, इसे राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चलती है, लेकिन ये स्वयं नाड़ियां अत्यंत सूक्ष्म तरह से कार्यान्वित रहती है। ये दोनों ही हमारे अंदर कार्यान्वित रहती है, जैसे कि जब हम कोई इच्छा करें तो लेफ्ट की नाड़ी चलती है, और जब हम उसमें कार्य करते हैं उस इच्छा पर तो राइट की चलती है। इस प्रकार हमारे अंदर ये दो नाड़ियां, पर इसके अलावा तीसरी नाड़ी हमारे अंदर है, इसे सुषुम्ना ऐसे कहते हैं। कबीरदास ने कहा ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी रे, और जिस तरह से अथॉरिटी के साथ उन्होंने कहा, इतने अधिकार वाणी से सारी बात कही है, वो बहुत पहुंचे हुए पुरुष थे, तो उन्होंने इतने अधिकार वाणी से कहा कि पांचों पच्चीसों पकड़ बुलाऊं एक डोर उड़ाऊंगा। ये जो सारी बातें हैं कबीर, आप पढ़िए तो समझ में नहीं आएंगी जब तक आप सहयोग नहीं जानेंगे। सहयोग से ही आप जान सकते हैं कि कबीर ने ये सब बातें क्यों कही, औरों की भी बातें, जैसे ज्ञानेश्वर जी पर इन्होंने पूछा था कि आप बात करिए, तो ज्ञानेश्वर जी ने अपने ज्ञानेश्वरी में छठे अध्याय में कुंडलिनी का पूर्ण वर्णन किया कि एक जैसे कोई सांप का बच्चा हो, इस तरह जैसे कोई सांप नहीं होता, मतलब हर एक शक्ति जो है इसी तरह से सांप के जैसी चलती, तो वो जिस तरह से अपने को लपेट कर बैठ जाती है, ऐसी ये जगदम्बा कुंडलिनी हमारे अंदर बैठी हुई। पर उसके बाद लोगों को इसका ज्ञान नहीं था कि कुंडलिनी क्या चीज है, तो उन्होंने कहा कि ये छठा अध्याय हमारे लिए निषिद्ध है, तो कोई पढ़ता ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था कि क्या चीज है।
इसी प्रकार अनेक साधु संतों ने इसके बारे में बताया हुआ कि हमारे अंदर दो नाड़ियां तो ईड़ा और पिंगला है और बीच की जो है सुषुम्ना नाड़ी है। ये सुषुम्ना नाड़ी जो है ये हमारे अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को चलाती है। जैसे मैंने कल बताया था आपसे कि जिस वक्त आप दौड़ते हैं तो आप अपने हृदय की गति बढ़ा सकते हैं, अपनी आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप बैठ जाते हैं तो हृदय की गति जो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आती है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से आती है। अब इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो आवरण है, इस तरह से मैंने कल आपको दिखाया था लेफ्ट और राइट से, तो ये एक दोनों का मिलाप होने से ही जो बीच में चक्र बनते हैं उसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो चक्र जो है ये ऊर्जा के केंद्र है, शक्ति के केंद्र है, पर हर एक शक्ति के केंद्र का अनेक अलग अलग तरीका है, अलग अलग काम है और वो अलग अलग तरीके से कार्यान्वित होते भी हैं। अब ये जो दो शक्तियां हमारे अंदर है ईड़ा और पिंगला, इनको भी समझने की जरूरत है। ईड़ा नाड़ी से हम इच्छा करते हैं और जो हमारी इच्छाएं हैं जो पूर्ति नहीं हुई, जिस पर हमने कार्यान्वित नहीं किया, या हमारे अंदर जो संस्कार आते हैं, या हमारा जो कुछ भूतकाल है, या जैसे आज सवेरे का भूतकाल हुआ, ये क्षण है, इससे पहले का भूतकाल हो गया, इसके बाद हमारे जन्म से जो भूतकाल हो गया, इसके बाद हमारे पूर्व जन्म से जितना भूतकाल हो गया, फिर इस संसार में जो कुछ मरा हुआ है जो भूतकाल में है, वो सारा की सारा इस ईड़ा नाड़ी के उस तरफ में लेफ्ट साइड। मनुष्य में सारा ही विश्व समाया हुआ, सारा ही विश्व उसके अंदर समाया हुआ, और जो राइट साइड की जो पिंगला नाड़ी है जिससे हम कार्य करते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे शारीरिक कार्य और मानसिक तो ठीक नहीं, बौद्धिक कार्य करते हैं, वो सब राइट साइड से। और ये जो राइट साइड की पिंगला नाड़ी है ये हमारे अंदर अहंकार जरूर दे देती है। लेफ्ट साइड से हमारे अंदर मन की, यानी एक जिसे सुपर ईगो कहते हैं, वो चीज आ जाती है, और राइट साइड से हमारे अंदर अहंकार की चीज आ जाती है। कोई सी भी एक नाड़ी ज्यादा चलने से मनुष्य में संतुलन टूट जाता है। अगर आपकी लेफ्ट साइड बहुत चलती होगी तो आप बहुत निंदे आदमी होंगे, आप बहुत डरपोक होंगे और आप सबसे डरेंगे, लेकिन अगर आपकी राइट साइड चलती होगी तो आप बहुत ज्यादा दूसरों पे आतताई होंगे, एग्रेसिव होंगे, आप पे अहंकार आ जाएगा। जब लेफ्ट साइड चलती है तो मनुष्य धीरे धीरे सीख सकते, जैसे कोई आदमी बहुत रोता है, और बहुत सी औरतों में आदत होती है रोने की कि मेरी माँ बड़ी अच्छी थी, बाप अच्छे थे, ये है वो है, रात दिन कोई चीज लेकर रोते रहते हैं, ऐसे लोग सब लेफ्ट साइड में सीखते चले जाते हैं। जब वो लेफ्ट साइड में सीखते चले जाते हैं तो उनके अंदर बहुत सी विकृति आ जाती है जिसे हम मानसिक विकृति कहते हैं। जैसे बहुत से लोग पागल हो जाते हैं किसी शौक से, एक आध शौक लगा, एकदम से आघात आया, घबरा गए तो लेफ्ट साइड को चले गए, पागलपन, डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया, इस तरह के जो रोग है वो सारे आपके लेफ्ट साइड का। पर उसके अलावा ऐसे भी रोग है कि जो हम असाध्य रोग कहते हैं वो भी लेफ्ट साइड के ही कारनामों से आते हैं, वो मैं बाद में आपको बताऊं। अब राइट साइड के जो है वो पिंगला नाड़ी, उसके अतिक्रमण से करने से, जैसे मैंने कल ही बताया था आपसे कि स्वादिष्टान चक्र से किस तरह से पर्स हो, किस तरह से अनेक रोग हो जाते हैं, जैसे लिवर आपको हो जाएगा, अस्थमा, हार्ट अटैक और ब्लड कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी ट्रबल, कॉन्स्टिपेशन, इस प्रकार के अनेक रोग हो सकते हैं। इसके अलावा इससे पैरालिसिस भी हो सकता है, लेकिन लेफ्ट साइड से भी आप रोग हो सकते हैं। जबकि लेफ्ट साइड आपके अंदर चलती है तो आप एक तरह से लिथार्जिक माने आलसी आपके सब ऑर्गन हो जाते हैं, उसके कारण होने वाले रोगों में अनेक से रोग हैं, जैसे एलर्जी आ जाए आपके अंदर में, या आपके एंजाइना, कोई सी भी स्लगिशनेस जिसको कहते हैं, उससे ये रोग होते हैं। पर सबसे जो बुरी बात है तो लेफ्ट साइड में जाने से मनुष्य जो है उसमें कोई कर्तृत्व नहीं रह जाता और वो हमेशा दुनिया से डरते रहता है, भागते रहता है और वो बेकार हो जाता है।
अब इसमें जो लेफ्ट साइड में जो चक्र है उसमें अपने चक्र की लेफ्ट साइड भी है और राइट है। इसमें से महत्वपूर्ण चक्र मैं तो सोचती हूँ कि लेफ्ट स्वाधिष्ठान, जहाँ पर कि आपने अगर कोई अनधिकार चेष्टा की, मैंने आप किसी गलत गुरु के सामने गए और उसके सामने चरण छूने के लिए झुक गए। आजकल उनको कहते हैं ना चरण छू महाराज, वैसे चरण छू महाराज गए आप, उन्हें चरण छू, उनके चरण छू, उसके चरण छू, वो सारे जाकर के आपके लेफ्ट स्वाधिष्ठान में बैठे हैं कि आपको वो ट्रांस में डाल देगा, मिसमराइज कर देगा, कोई ऐसी बातें पढ़ा देगा। इससे तो कोई हर्ज नहीं कि आपके पैसे भी लूट ले, लेकिन उसके अलावा वो आपको पगला देगा। थोड़ी देर में आप देखिएगा कि रास्ते पे आप भी पंखा फिरेगा। ये लेफ्ट स्वाधिष्ठान की बीमारी जो है ये बहुत लोगों को होती है, विशेषकर अपने भारत वर्ष में, जहाँ की ये गुरु लोग इस कदर निकल आए हैं कि समझ में नहीं आता कि ये एक को पकड़ो तो दूसरा निकलता है, दूसरा पकड़ो तो तीसरा निकलता है। बेअंदाज ये गुरु लोग आ गया है, उसकी वजह ये कि हम इतने अज्ञानी हैं, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है कि हम जाने। अभी आपने गुरु का वर्णन सुना कि गुरु क्या है, मोक्ष मूलम, जो आपको मोक्ष देता है वही गुरु है। उसके वर्णन के अनुसार कितने लोग गुरु बनेंगे सो बताइए, कितने लोग, और वो चैतन्यमय होना चाहिए। उसकी जितना भी वर्णन है वो जब तक नहीं हो तो क्या जरूरत है कि आप हर एक आदमी के सामने हाथ जोड़े। अगर किसी ने आपको नाम दिया, उसके लिए आपने रुपया पैसा भी दिया, सब व्यवस्थित हो गया, लेकिन जा करके उसकी तकलीफ बैठ गया आपके लेफ्ट स्वाधिष्ठान। लेफ्ट स्वाधिष्ठान जब आता है तो बच्चे नहीं हो सकते औरतों को, पहली बच्चे नहीं हो। लेफ्ट स्वाधिष्ठान में जब कोई ऐसी तकलीफ हो जाए तो बच्चे हो ही नहीं सकते, और ऐसी औरतें हर समय रोती रहेंगी, परेशान रहेंगी, बाधित रहेंगी, कभी कभी बहुत बिगड़ भी जाएंगी, उनको समझ भी नहीं आ सकता। अब अपने देश में और एक, पता नहीं महाराष्ट्र में ज्यादा यहाँ कम होगी, कि औरतों के अंदर देवी आती। अब देवी आई तो हु करती है, नौकानियों के अंदर देवी आने के लिए देवी की भी कोई अकल होती है, उसको खेलना कोई आसान चीज है देवी की शक्ति को, कि वो नौकरानियों के अंदर आ जाती। और ये नौकरानियों का जीवन आप देखिए तो वो बताती क्या है कि घोड़े का नंबर, भगवान को घोड़े के नंबर से क्या करना है। पर हमारी यात्रा इतनी खराब है कि कर कोई आदमी बताए कि भाई तुम्हारा रुपया कहाँ गड़ा पड़ा है, तुम्हारे ये कहाँ है, तो हम लोग उसको सोचते हैं कि वाह 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 कितना बड़ा आदमी, कितना महान आत्मा है, उसने हमें रुपए की बात बताई। जिनको रुपए में, डायमंड्स में, इसमें उसमें इंटरेस्ट है, या उससे आपको चाहते हैं कि आपको इम्प्रेस करें, ऐसे गुरु हो ही नहीं सकते, ये तो कुगुरु है। और गुरु एक होते हैं कि जो कुछ भी नहीं जानते हुए ऐसे ही बैठ जाते हैं, लेकिन ये तो कुगुरु है, दुष्ट गुरु, और कुछ कुछ तो ये राक्षसी है कि जिस तरह से लोगों को बर्बाद किए जा रहे। आपको भी अपने बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो परमात्मा की बात करें, जो परमात्मा से मिला है वही सदगुरु हो सकता है। अब ये लेफ्ट स्वाधिष्ठान की बात आपने बताई, इसी तरह हर एक चक्र पे इसका असर आता है कि लेफ्ट नाभि पर जो है, लेफ्ट नाभि जो है ग्रह लक्ष्मी का था, क्योंकि लक्ष्मी तत्व है, मैंने आपसे कहा था ये ग्रह लक्ष्मी का तत्व है। घर में अगर आपकी ग्रह लक्ष्मी है और आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, खासकर उत्तर हिंदुस्तान में, तो पता नहीं औरतों की इज्जत ही नहीं होती, फिर एक से एक जो निकलती है तो ऐसी कि उनको कोई संभाल नहीं। जय श्री माता जी। दोनों हाथ जोड़कर परम पूज्य श्री माता जी को प्रणाम करें। परम पूज्य श्री माता जी, आपने हमसे ध्यान करा के हमें संतुलन अवस्था प्रदान की, आपकी अमृतवाणी से हमें सुंदर ऐसा मार्गदर्शन किया, इसलिए श्री माता जी हम आपके ऋणी हैं। दोनों हाथ गोद में रखें। इसी ध्यान की अवस्था को बनाए रखते हुए अब हम आगे की सेशन की ओर चलते हैं। आज का जो सत्र है वो है हमारी जो राइट साइड है, जिसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, उस पर जो सात चक्र है, उस पर जो शक्ति है,
उस पर जो देवी देवता है उनका मंत्र हम लेने वाले हैं। अभी के अमृतवाणी में परम पूज्य श्री माता जी ने सब कुछ क्लियर बता ही दिया कि ईड़ा और पिंगला नाड़ी का असंतुलन होने के बाद क्या क्या परेशानियां हमें झेलनी पड़ती है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या कौटुंबिक हो। पिछले बार पूरे ईड़ा नाड़ी के मंत्र लिए थे, आज हम राइट नाड़ी के लेने वाले हैं। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में, जैसे दो सत्र पहले, तीन महामंत्र हमने देखे थे, हर एक मंत्र की शुरुआत ओम त्वमेव साक्षात से होती है। ओम त्वमेव यानी परम पूज्य श्री माता जी या हमारे अंदर स्थित कुंडलिनी माता, जैसे कि ये फॉर्मूला होता है ओम त्वमेव साक्षात श्री। अब जो भी चक्र है उस पर जो देवता है उनका मंत्र, उनका नाम उसमें लिया जाता है। जैसे उदाहरणार्थ समझो राइट हार्ट सीताराम जी का चक्र है, तो ओम त्वमेव साक्षात श्री सीताराम साक्षात, और आगे का जो पंक्ति है वो कॉमन रहेगी, श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तो प्रथम हम लेफ्ट हैंड ऐसे आकाश की ओर करेंगे, एक वीडियो अभी लगाया जाएगा, सारे मंत्र लिए जाएंगे, उसमें सारे डिटेल्स बताए हैं। राइट नाड़ी का मंत्र लिया जाएगा तब हम लेफ्ट हैंड आकाश की ओर करेंगे, उसके बाद में फिर हम जैसे कि राइट मूलाधार का मंत्र है तब आपके राइट हैंड से आप उसे ऐसे गोल घुमा सकते हैं, जैसे कि अभी देखिए राइट हैंड क्रिया शक्ति है तो राइट हैंड से आप घुमा सकते हैं, राइट नाभि है तो राइट नाभि को क्लियर कर सकते हैं। अभी राइट साइड के चक्रों पर आप लेफ्ट हैंड प्रथम रख सकते हैं मंत्र होने तक, उसके बाद में हाथ गोदी में लीजिए और उसके बाद में फिर इसे आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पूरे राइट साइड के मंत्रों का उच्चारण करते हैं और अपनी राइट साइड को शुद्ध करते हैं। जय श्री माता जी। अब हम राइट साइड के सारे चक्रों के मंत्र कहेंगे। पहले हम पिंगला नाड़ी का मंत्र कहेंगे, श्री महासरस्वती साक्षात श्री हनुमान साक्षात। साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अपने बाएं हाथ को आकाश की ओर, दाएं हाथ को श्री माता जी की ओर रखते हुए प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमारे पिंगला नाड़ी में श्री महासरस्वती और श्री हनुमान जी की शक्ति पूर्णतः जागृत हो जाए। श्री माता जी कृपावंत होकर हम सबको शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान कीजिए। राइट मूलाधार श्री कार्तिकेय साक्षात। त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। हमारे चित्त को हमारे राइट मूलाधार पर हम केंद्रित करते हैं, प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आप ही समस्त राक्षसों का संहार करती है,
आप ही हमारे अंदर स्थित सारी नकारात्मकताएं दूर करती हैं। आपकी श्री कार्तिकीय शक्ति को हम प्रणाम करते हैं। राइट स्वाधिष्ठान श्री हजरत अली फातिमा बी साक्षात ओम त्वमेव साक्षात श्री हजरत अली फातिमा बी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमारे दाएं स्वाधिष्ठान में श्री हजरत अली फातिमा बी जी की शक्ति पूर्णतः जागृत हो जाए। श्री माता जी, मैं कुछ भी नहीं करता, निश्चित ही आप ही करता हो और आप ही भोगता हो। राइट नागी श्री राजलक्ष्मी साक्षात ओम त्वमेव साक्षात श्री राजलक्ष्मी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमारे दाएं नाभि चक्र में श्री राजलक्ष्मी जी की शक्ति पूर्णतः जागृत हो जाए। श्री माता जी, निश्चित ही आप मेरे अंदर रॉयल डिग्निटी है। श्री माता जी, आप ही मेरी पारिवारिक एवं आर्थिक चिंताओं का समाधान करती है। आप ही हमारे कुशल क्षेम का ध्यान रखती है। राइट भवसागर श्री आदि गुरु दत्तात्रेय साक्षात ॐ त्वमेव साक्षात् श्री आदिगुरु दत्तात्रय साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमारे दाएं भवसागर में श्री आदि गुरु दत्तात्रेय जी की शक्ति पूर्णतः जागृत हो जाए। श्री माता जी, आपने ही हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दिया है। श्री माता जी, आप ही हमारी गुरु हैं। Thank you.
राइट अनाहत श्री सीताराम साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सीताराम साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजे श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमारे दाएं हृदय चक्र में श्री सीताराम जी की शक्ति पूर्णतः जागृत हो जाए। श्री माता जी, आप ही हमारे अंदर उत्तरदायित्व का भाव है। आप ही हमारे अंदर व्यवहार की मर्यादा है और आप ही हमारी हितैषी पिता है और यही सत्य है। श्री चक्र श्री श्री चक्र स्वामिनी साक्षात्। ओम त्वमेव साक्षात् श्री श्री चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजे श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमारा श्री चक्र पूर्णतः जागृत हो जाए। श्री माता जी, आपकी परम कृपा से हमें हमारे दाहिने हथेली पर परम चैतन्य की अनुभूति सदैव होती रहे। राइट विशुद्धि श्री विठ्ठल रुक्मिणी साक्षात्। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विठ्ठल रुक्मिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजे श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा से हमारे दाएं विशुद्धि चक्र में श्री विठ्ठल रुक्मिणी जी की शक्ति पूर्णतः जागृत हो जाए। श्री माता जी, आप ही हमारे कार्य और वाणी का माधुर्य हो। राइट आज्ञा श्री बुद्ध देवता। ओम त्वमेव साक्षात् श्री बुद्ध देवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजे श्री निर्मला देवे नमः नमः।
परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमारे दाएं आज्ञा चक्र में श्री बुद्ध जी की शक्ति पूर्णतः जागृत हो जाए। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा की है, मैंने स्वयं को भी क्षमा की है। सहस्रार तीसरा महामंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकलके साक्षात् श्रीसहस्रार स्वामिने मोक्षप्रदायिने माताजि श्रीनिर्मलादेव्ये नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात सहस्त्रार स्वामिनी है, मोक्ष प्रदायिनी है। श्री माता जी, उत्थान के मार्ग में आने वाली सभी चुनौतियों पर विजय पाने की शक्ति आप ही हमें प्रदान करती है। श्री माता जी, दोनों हाथ जोड़कर श्री माता जी को प्रणाम करें और धीरे धीरे आंख खोलें। तो ये थे पिंगला नाड़ी यानी राइट नाड़ी के सारे चक्रों के ऊपर के मंत्र। तो आप भी, आपको जब भी असंतुलन लगे लेफ्ट नाड़ी में या राइट नाड़ी में, और उसके साथ साथ उनका प्रतिनिधित्व, चक्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो भी उंगलियां हैं उस पर आपको कहीं भी टिंगलिंग सेंसेशन, जड़त्व, हेवीनेस जिसको हम बोलते हैं, या गरम, गुनगुना, चुभने जैसा सेंसेशन, इसमें से कौन सा भी आपको लगे तो आप उसको डायग्नोस कीजिए। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल राइट हैंड के सेकेंड फिंगर को यानी विशुद्धि की उंगली, राइट हैंड इसीलिए राइट विशुद्धि है, तो आप इसको यहां पर क्लियर करें और यहां का मंत्र दोहराएं। तो इसको थोड़ा ज्यादा देर आप कर सकते हैं और वापिस चेक कर सकते हैं, या फिर ऑपोजिट हाथ उस चक्र पर रखना है। राइट साइड के होंगे तो लेफ्ट हैंड रखिए, लेफ्ट साइड का चक्र होगा तो राइट हैंड ऑपोजिट साइड पर रखिए। ठीक है, जैसे कि लेफ्ट साइड के हो तो ये राइट हैंड इसे जाएगा, राइट साइड के होंगे तो ये लेफ्ट हैंड उस चक्र पर जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक बार आप वापिस थोड़ा सा रिवीजन कीजिए चक्रों के जो गुण है, है ना, वो एक बार देख लीजिए आप। जैसे अभी नाभि चक्र का समाधान है तो अभी हमको खुद को पूछना पड़ेगा, क्या मैं समाधानी हूं? जो भी चीज दिन भर में मिलती है वो मुझे मिले ना मिले उसमें मुझे समाधान मिलता है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। चीज इतनी मिले, ज्यादा मिले, थोड़ी मिले, वो अलग बात है, लेकिन जो भी मिला उसमें समाधान है क्या? ओके, तो कम लग रहा है, चलो फिर हम नाभि को और उसका मंत्र लेंगे, वाइब्रेशन देंगे, क्लियर करेंगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं गर्मी लग रही है क्या? ओके, तो उस गर्मी को आप निकाल के फेंक दीजिए, साइड में छोड़ दीजिए। यही प्रक्रिया नमक पानी में भी कर सकते आप। यानी क्या हो जाएगा, हमारे ये चक्र डेवलप हो जाएंगे।
अभी जैसे श्री माता जी के अमृतवाणी में उन्होंने सब कुछ क्लियर बता दिया, जैसे पारिवारिक समस्याएं, जैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशन में गड़बड़े तो लेफ्ट नाभि को चैतन्य दीजिए, आर्थिक परेशानियां, पैसे का मामला नहीं जम रहा है, ओके तो राइट नाभि, लेफ्ट हैंड राइट नाभि पर रखे और राइट हैंड से वाइब्रेशन दीजिए, राजे राजेश्वरी तत्व है ना। पिता का संबंध हो तो राइट हार्ट, माता का हो तो लेफ्ट हार्ट, बहन का हो तो लेफ्ट विशुद्धि, विचार नहीं रुक रहे, क्षमा नहीं कर पा रहे, आज्ञा चक्र है ना, क्षमा मांगिए क्षमा करिए, तो फिर वो चक्र का मंत्र लेना, उसको क्लियर करना। तो ऐसा आप नए लोगों के लिए विनंती है कि यही वीडियो को आप रिपीट करके एक दो बार ईड़ा पिंगला का संतुलन कर लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि डेली ध्यान में ये सारे चक्र के मंत्र लेते बैठिए, है ना, उस समय उस कौन सा चक्र आपको परेशान कर रहा है या असंतुलित है वही मंत्र भी आप ले सकते हैं, ये तीन महामंत्र के अलावा। ठीक है, तो आज के लिए हम यही पर रुकते हैं। श्री माता जी के बहुत बहुत आभारी है रूणी है कि उनके अभी के अमृतवाणी में उन्होंने बताया था कि गुरु लोग उस समय मंत्र देते थे, वो कैसे देते थे, जैसे डॉक्टर लोग गोली देते, भाई आपने बताया सर्दी है तो सर्दी की गोली देते हैं, लेकिन गुरु लोग आइडेंटिफाई करते थे कि आपका कौन से चक्र का प्रॉब्लम है तो वो कौन से चक्र के लिए कौन सा मंत्र जरूरी है। अब राइट साइड बहुत गर्म है, ठीक है ना, तो उसको शांत करना पड़ेगा ना, चंद्रमा का मंत्र लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब गायत्री मंत्र गर्म होता है और मैं राइट साइडेड हूं और मैं गायत्री मंत्र लेना शुरू किया तो डबल गर्मी हो जाएगी, सूर्य नाड़ी और गर्म हो जाएगी, ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और फिजिकल लेवल पे बीपी बढ़ गया, थायराइड बढ़ गया, हाइपर साइड को जाता है आदमी, लेफ्ट साइड वाला हाइपो साइड में जाता है ना। तो वैसा आप उसको बैलेंस करते हो। तो श्री माता जी के आभारी इसलिए है कि भाई कौन से चक्र पे मेरी कमी है और वहां का मंत्र मैं खुद ले सकता हूँ, जिसको हम बोलते हैं हमें स्वयं का गुरु बनाइए। तो इसलिए श्री माता जी के बहुत बहुत ऋणी है। अगला सत्र नेक्स्ट सैटरडे को होगा और इसमें प्रार्थना और मंत्र यही सेशन होगा, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी, बीच वाली जो नाड़ी है ना, क्योंकि ईड़ा हो गई पिंगला हो गया, अभी बीच वाले नाड़ियों के मंत्र हम अगले सत्र मिलेंगे। तो आइए आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। सभी लोग श्री माता जी को प्रणाम करें और वापस कुंडलिनी उठाकर बंधन ले। मिलते हैं अगले शनिवार, तब तक सभी को जय श्री माता जी।